जो फायर सर्विसेज से बदहाल है, सारी तहसीलों में फायर स्टेशन खुलने के प्रस्ताव शासन को भेजे गए लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई और इसके चलते बड़े पैमाने पर आगजनी का शिकार लोग हो रहे हैं और आग से भारी नुकसान हो रहा है। क्या कहना है आपका इस संबंध में? देखिए, जैसे बहराइच जनपद जो 6 तहसीलें हैं, काफी बड़ा जनपद है, तो वर्तमान में यहाँ पर 2 फायर स्टेशन है। एक तो हमारा सेंट्रल फायर स्टेशन जो सदर फायर स्टेशन है, यहाँ पर मुख्यालय है, और दूसरा नानपारा तहसील में एक फायर स्टेशन है हमारा। इसके अलावा जो बाकी 4 जगह जो हैं शासन द्वारा जो ज़मीनें उपलब्ध कराई, जैसे नानपारा में, नानपारा तहसील में जो चीनी मिल है, चीनी मिल के पास में ज़मीन हमें आवंटित हो चुकी है और इसका हम लोगों ने शासन को यहाँ से जा चुका है, आंकड़न बन के भी जा चुका है। वहाँ से जैसे ही बजट आता है तो मेरे ख्याल से अगले 4-5 महीने के अंदर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो तहसील मीरपुरवा, तहसील केसरगंज, तहसील मैसी और तहसील प्रयागपुर में अग्निशमन विभाग के नाम पर जमीन दाखिल खारिज हो चुकी है और इसका आंकड़न करने की प्रक्रिया शुरू मतलब हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे प्रयागपुर में जो है आंकड़न ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका जो कार्यदायी संस्थाएं आंकड़न बना के भेजेंगी और उनका जैसे ही शासन से बजट स्वीकृत होगा तो इन पर भी काम शुरू किया जाएगा। या आग की स्थिति कैसी है यहाँ पर? आग की स्थिति जैसे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण अंचल काफ़ी है और जो यहाँ पर जो ग्रामीण अंचलों की जो फायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इसमें अभी जैसे दिवाली और दशहरे का भी मौसम गया है तो इसमें भी आगजनी की घटनाएं जो है शहर के साथ साथ जो है गाँव में भी ज़्यादा हुई थी। पर जैसे जैसे जो है हम लोग सर्दी के मौसम में थोड़ी आगजनी की घटनाएँ थोड़ा कम हो जाती हैं, पर जैसे ही मार्च शुरू होगा तो मार्च में ये बढ़ जाएंगी ग्रामीण अंचलों की स्पेशली जो है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइम पे हम लोग 3-4 जगह जो है अपनी टेम्परेरी ड्यूटीज़ लगा देते हैं क्रू के साथ जो है, पर हमको आशा है कि मतलब 1-1.5 साल के अंदर जो है हर जगह तहसील में हम लोग करने में सफल